हेलो गाइस, मैं हूं शिव पांडे और ये है स्प्लेंडर गाड़ी, यानी कि हीरो होंडा की जो पुरानी बाइक आती थी वो ये गाड़ी है। और ये है अभी 2002 का मॉडल, यानी कि पूरे 20 साल पुरानी गाड़ी है। और हम इस गाड़ी के साथ में करने वाले हैं कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट, बिकॉज मेरे पास है अभी सैनिटाइज़र की बोतलें और हम इसको चलाने वाले हैं इसके ऊपर, यानी कि यह है सैनिटाइज़र और हम चलाएंगे इसको सैनिटाइज़र के ऊपर। इसके पूरी टंकी में हम सैनिटाइज़र भर देंगे और बाद में देखते हैं कि क्या गाड़ी चल पाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो एक्शन। तो ये सैनिटाइज़र है, तो हम इसको इस टंकी अंदर डालने वाले हैं पूरे, मतलब 250 ml की ये बोतल है। तो 250 ml की बोतल तीन है हमारे पास, मतलब 750 ml सैनिटाइज़र, ठीक है। तो अब ये है गाड़ी जो है पुरानी हो चुकी है, तो सभी गाड़ियाँ बेसिकली जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो हो चुकी है गैस के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि कोई भी ज़्यादा पेट्रोल भरा के पुरानी गाड़ियों को चला नहीं रहा था। तो मैंने भी बेसिकली इसको गैस पे करवा लिया था। तो ये है हमारी गैस की टंकी इसकी, और इसको हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बाहर निकालने के बाद हम इसको ओनली फॉर सैनिटाइज़र चलाएँगे। ये रही टंकी, ये अभी खाली है। और इधर रहा इसका जो कनेक्शन होता है सैनिटाइज़र वाला, बोले तो गैस वाला, ये है। हम भी इसको भी खोल देते हैं, ये इसको भी खोल दिया, इसको भी रख देते हैं इधर। और अब बारी आती है सैनिटाइज़र को इसके अंदर डालने की। अब गाइस, जो ये स्विच है इसको अपन बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में ये जो नली है इसमें सैनिटाइज़र आने लगेगा। सैनिटाइज़र आते ही हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और चालू करके देखते हैं कि गाड़ी चल पाती है या नहीं चल पाती। तो पहले सबसे पहले अपन सैनिटाइज़र की तीनों बोतलों को इसके अंदर डाल देते हैं। पहले दो बोतल डालेंगे, पहले बाद में तीसरी डालेंगे। ये पूरी खुलती है, ढक्कन लगा देते हैं और इसको इधर रख देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें आया ही नहीं आया। सैनिटाइजर आ चुका है, तो हम इसको इसके अंदर लगा देते हैं। अब चालू करते हैं गाड़ी को। गाड़ी चालू नहीं हो पा रही है गाइस, हमारा काम जो फेल हो चुका है, क्योंकि ये जो इंजन की जो नली है जो बेसिकली पेट्रोल टंकी से आती है वो हमने इसके अंदर सेट कर दी थी, लेकिन क्या है कि गाड़ी ओवर फ्लो होने की वजह से इसके अंदर सारा सैनिटाइज़र इसके अंदर निकलने लग गया था, क्योंकि गाड़ी सैनिटाइज़र की वजह से ओवर फ्लो हो गई थी। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो ये एयर पाइप होती है इंजन की, जो इंजन के अंदर जो हवा जाती है उसके अंदर जो ये लगी हुई है नली, ये गैस की, बेसिकली गाड़ी गैस पे है तो गैस की नली लगी हुई है, हम इसको डायरेक्टली सैनिटाइज़र इस ये नली में जॉइंट कर देंगे। तो क्या कि सैनिटाइज़र डायरेक्टली हवा के माध्यम से इंजन को मिलेगा और इंजन को मिलते ही मतलब वो आग पकड़ लेगा। तो ये ट्राई करते हैं इसकी वजह से या इंजन स्टार्ट हो पाता नहीं हो पाता, ये ट्राई कर लेते हैं। तो चलो इसके अंदर जॉइंट कर देते हैं इसको, और अब चालू करते हैं इसको सैनिटाइज़र की नली को, और अब देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो पाती है या नहीं हो पाती है। हुई हुई,
गाइस, तो गाड़ी सैनिटाइज की मदद से बहुत शानदार चल रही है, अभी भी चल रही है और बहुत अच्छा पिकअप पकड़ रही थी। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए नई नई वीडियोज लेके आता है। तो और नीचे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा देना। और अगर पहले किसी ने सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने, तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।